नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय पुलिस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बेगूसराय पुलिस ने जिले के टॉप 10 अपराधी बैंकेट सिंह को हथियार के साथ धर दबोचा है। इसकी गिरफ्तारी से इलाके में अपराध की घटनाओं में कमी होने की आशंका है। घटना के संबंध में बेगूसराय के SP योगेंद्र कुमार ने बताया कि 3 मार्च को तेघड़ा थाना अंतर्गत हुई पुलिस मुठभेड़ में बम रखने के मामले में फरार कुख्यात टॉप 10 अपराधी बैंकेट सिंह को एक देशी पिस्टल और 2 गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। वह इस मामले में इस कांड में संलिप्त अन्य पेशेवर अपराधी मोहम्मद सज्जाद उर्फ भोला मियाँ और मोहम्मद सोहेल को पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है। योगेंद्र कुमार ने बताया कि 3 मार्च को तेघड़ा थाना अंतर्गत बजलपुरा बांध महादेव घाट से पहले स्थित अयोध्या घाट जाने वाले रास्ते के बाईं तरफ झाड़ी में 2 झोला प्लास्टिक बैग में, जिसके अंदर एक छोटा डब्बा में जिंदा बम को किसी साजिश के तहत उस जगह पर छिपा कर रखा गया था। उन्होंने बताया कि गंगा के भीषण कटाव के मद्देनजर आपदा विभाग के द्वारा अजगरबर निकट घाट में 2 जगह गंगा किनारे बांध बांधने का कार्य ठेकेदार के द्वारा कराया जा रहा था। इसी के मद्देनजर अपराधियों के द्वारा भय पैदा करने की नियत और रंगदारी वसूली से मोटी राशि वसूला जा सके। घटना के सामने आने के बाद बेगूसराय के SP योगेंद्र कुमार के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तेघड़ा के नेतृत्व में बम पाए जाने वाले स्थल पर पहुंचकर जांच की गई और अजगरबर निकट घाट के पास आपदा विभाग के द्वारा ओम कंस्ट्रक्शन के साइट पर पहुंचकर मजदूरों के साथ मारपीट करते हुए धमकाने और रंगदारी की मांग करने वाले कुख्यात अपराधी सज्जाद उर्फ भोला मियाँ और मोहम्मद सोहेल को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक देशी बम, 2 लोडेड देशी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। वह इस मामले में इस घटना में 2 अपराधी गंगा में कूद कर भाग गए। इस कांड में वांछित फरार कुख्यात अपराधी बैंकेट सिंह की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम लगातार काम कर रही थी। इसी कड़ी में पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी करने में कामयाबी पाई। इस मामले में बेगूसराय केसरी जगन कुमार ने बताया कि टीम में शामिल लोगों को उनके द्वारा सम्मानित किया जाएगा। गिरफ्तार अपराधी की पहचान तेघड़ा थाना क्षेत्र के मथुरापुर दक्षिण टोला के रहने वाले विजय सिंह के पुत्र बैंकेट कुमार के रूप में हुई है। इस अपराधी पर हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी सहित दर्जन भर मामले दर्ज हैं। किस तरह गिरफ्तार? जिले का कुख्यात अपराधी एवं हमारी टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल अपराधी वेंकट सिंह, जो कि टेंगड़ा थाना के मथुरापुर का रहने वाला है, इसकी कल सफलतापूर्वक पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। इसके पास से 1 देसी पिस्टल और 2 जिंदा गोलियां पुलिस ने बरामद की हैं। देखिए, मैं आपको इसमें बता दूं कि आज से करीब 5 महीने पहले टेंगड़ा थाना अंतर्गत एक जगह है बजलपुरा बांध, वहां पे पुलिस को गश्ती के क्रम में पॉलिथीन बैग में कुछ 2 सुतली बम और कुछ हथियारों गोलियां पुलिस को वहां बरामद हुई थी। तो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए SDPO टेंगड़ा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था उसी समय में, और SDPO टेंगड़ा उनकी टीम ने बड़ी बहादुरी से गंगा नदी के घाट पे एनकाउंटर के दौरान 2 अपराधियों को पकड़ा था। और इसमें ये जो मेन अपराधी था, जो उनका सरगुना था वेंकट, ये पानी में कूद के वहाँ से भागने में उस समय सफल रहा था। तो लगातार हम लोग इसकी गिरफ्तारी के लिए लगे हुए थे और SDPO टेंगड़ा उनकी टीम ने बड़ा प्रोफेशनली काम करते हुए कल पूरे एरिया का कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन किया और वहाँ से इसकी गिरफ्तारी की है और इसके पास से हथियार भी मिला है। मैं आपको बता दूँ कि इसके ऊपर करीब 13 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। इसमें बहुत सारे मामले आर्म्स एक्ट के हैं, लूटपाट के हैं, चोरी के हैं, डकैती के हैं, जान से मारने के हैं, एक्सटॉर्शन मांगने के हैं। इसका आपराधिक इतिहास देख के एक चीज़ क्लियर होती है कि इसका जो मुख्यतः पेशा ये रहा है कि टेंगड़ा अनुमंडल में जो हमारे थाना है, जैसे कि बछवाड़ा है, फुलवरिया है, तो वहाँ जो बांध का एरिया है और जो दीरा का एरिया है, वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, बांध का जो काम होता है, आपदा विभाग के द्वारा जो काम कराया जाता है बांध के रिपेयरिंग और निर्माण को लेकर के, तो वहाँ पे ठेकेदारों से गोली चला के, बम चला के उनसे एक्सटॉर्शन करना, वसूली करना और भी हथियारों के दम पे गुंडागर्दी करना, फसल पे कब्जा करना, तो एक प्रकार से टेंगड़ा अनुमंडल में इसका आतंक था। तो आज इसकी गिरफ्तारी से और इसके पूरे गैंग की गिरफ्तारी से टेंगड़ा अनुमंडल की जनता को बहुत राहत मिली है। उस एरिया में सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में इसमें बहुत बड़ा अहम रोल अब इसकी गिरफ्तारी के बाद वहाँ पे होगा। तो इसने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं पूरी टीम को अपने तरफ से पुरस्कृत करूँगा। क्या सर, पास में पॉलीथीन बैग में 2 सुतली बम और हथियार मिले थे, तो उस मामले में जब पुलिस ने कार्रवाई की थी तो कुछ संदिग्ध अपराधियों को
बांध के पास से, नदी के पास से खदेड़ा गया था और एसटीपीओ टेंगड़ा स्वयं टीम को लीड कर रहे थे। तो पुलिस ने, जब अपराधियों ने फायरिंग की तो पुलिस ने भी फायरिंग की थी, उसमें कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन नाव पे फायरिंग करते हुए भागने की जो कोशिश थी अपराधियों को, वो पुलिस ने विफल कर दी थी। ये मार्च की बात बता रहा हूँ। और उसमें दो अपराधी जो थे जिनका नाम था मोहम्मद सज्जाद उर्फ भोला मियाँ और दूसरे का नाम था मोहम्मद सोहेल, इन दोनों को पुलिस ने उसी समय मार्च में ही गिरफ्तार करके जेल भेजा था। लेकिन उस समय नाव में ये आदमी भी मौजूद था वेंकट, जो कि पानी में कूद के भागा था। तो लगातार पुलिस लगी रही और इसको कल इसको दबोच लिया गया है।